अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हम इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, अकबर जैदी की बुक का चैप्टर 8, की इश्यूज़ इन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन वाला जो हेड है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जितने भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं, चाहे वो जो है जॉब बेस्ड हो या जो भी हो, ठीक है, इंटरव्यू बेस्ड या एडमिशन बेस्ड हो, उसमें इंडस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है। तो जो अगर आप ये चैप्टर नंबर 8 को केयरफुली जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। जो पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन जो है स्टार्ट हुई आफ्टर जब हमने स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट किया 1988 में, जिसके अगेंस्ट हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया। ठीक है, अब इसके बाद 6 साल का अरसा जो था 1990 से 1996 तक, 65% जो थी टारगेटेड इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेटाइज हो गई। ठीक है, लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन एफर्ट वॉज लॉन्च बाय नवाज गवर्नमेंट। ठीक है, नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसने भी प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग डिस्टिंक्टिव डिस इन्वेस्टमेंट एंड डी रेगुलेशन कमेटी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, डी इन्वेस्टमेंट और डी रेगुलेशन कमेटी, जिसका नाम था। ठीक है, और इसका बेसिक जो पर्पस था इसको बनाने का वो ये था कि प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको प्रमोट किया जाए। इससे पहले जो बेंसिर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसने भी जो है प्राइवेटाइज करने का, स्टेट ओन जो जितने भी सेक्टर थे उनको प्राइवेटाइज करने का को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, और उसका भी फोकस जो था वो प्राइवेटाइजेशन पे था। अब जो डिसइन्वेस्टमेंट और डी रेगुलेशन कमेटी थी उस को जो इस्टेब्लिश किया गया उसका प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल था उसका क्या था, ऑफ कम्प्लीट रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन जो है वो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होगी उस इस प्रोसेस में या इस डिसीजन में कि इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो तो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इन तमाम बातों में जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मेन जो पर्पस था डिस इन्वेस्टमेंट और डी रेगुलेशन कमेटी का वो ये था। अब उन्होंने 109 जो है इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो आइडेंटिफाई किए, जो मेजर यूनिट्स थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स उस टाइम पाकिस्तान में। ठीक है, उनको इन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की और 4 में से 5 जो नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स थे उस टाइम पे जिनके पास 88% ऑफ डिपॉजिट्स थे उनको भी हमने प्राइवेटाइज करने की जो है वो कोशिश स्टार्ट की। कमेटी जो था थी वो डिसॉल्व हुई और फिर इसके बाद ये रिप्लेस हो गई बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन। इसका नाम बाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना दिया गया क्योंकि बेसिक इसका मोटिव ही प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना था। ठीक है, 1991 में हुआ ये और विच वॉज टू बी सरप्राइज फॉर द सुपरवाइज द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और इसका मेन जो पर्पस था वो था प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है उसको सुपरवाइज करना के ठीक से प्राइवेटाइजेशन जो है वो इंडस्ट्रीज की और डिफरेंट बैंक्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही है या नहीं हो रही। मैंडेट जो था कमीशन का वो क्या था, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो मैंडेट था वो क्या था कि इंक्लूड्स वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, दैट वर टू बी प्राइवेटाइज्ड, ऐसी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उनको प्राइवेटाइज किया जाए, उनमें वैल्यू एडिशन की जाए और साथ साथ क्या था कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, जो बिडिंग प्रोसेस चल रहा है उसकी को इम्प्लीमेंट करवाया जाए और सुपरवाइज किया जाए और ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर, जितने जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट को ले लेगा उन उसको ट्रांसफर भी किया जाए। अर्ली पीरियड्स के अंदर क्या हुआ कि प्रोग्राम जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि फ्यू बिडर जो थे ऑफ द टारगेटेड फर्म, जितने भी टारगेटेड फर्म थी उनके बिडर जो थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। डोमेस्टिकली तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कम थे क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो कंट्री थी वहाँ इसमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो थे वो नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो उनकी जो प्रोपोर्शन था वो फिर भी ज़्यादा था।
इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफरिंग फ्यू यूनिट्स फॉर सेल एट अ टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि सारे यूनिट्स को हम एक ही दफ़ा सेल नहीं कर देंगे, बल्कि कुछ यूनिट्स को एट अ टाइम जो है हम सेल लिस्ट के अंदर रखेंगे, ताकि इमीडिएट जो है इस प्रोसेस को एफिशिएंट किया जा सके और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको हम प्राइवेटाइज कर सकें। तो उस टाइम जो है 105 जो यूनिट्स थे उनको इमीडिएट सेल के ऊपर लगा दिया गया। Attempts were made to make privatization procedure more transparent and effective, ठीक है। ऐसी attempts करनी शुरू की गवर्नमेंट ने, ऐसे इकदाम करने शुरू किए जिनकी वजह से जो privatization का process था या procedure था उसको ज़्यादा transparent भी बनाया जा सके और efficient तरीके से भी privatization की जा सके। एक और रीज़न जो थी प्राइवेटाइजेशन की, वो ये थी कि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑब्वियसली बात है कि जब भी जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका बेसिक मोटिव क्या होता है कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना, लेकिन जब आप उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज किया जाता है, तो उसका पीछे मोटिव यही होता है कि जब जो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। वो न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स के थ्रू जो है अपनी प्रोडक्शन को या अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको स्पीडली करते हैं, ताकि उनका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा जनरेट हो सके। तो इस जो प्रोसेस था या जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आया था उसमें भी प्राइवेटाइजेशन को जो प्रमोट करने की बात थी वो इसी वजह से थी कि ताकि कंट्री के अंदर रेवेन्यूज ज़्यादा जनरेट हो सकें और उन रेवेन्यूज के थ्रू कंट्री की जो डेवलपमेंट है या कंट्री का जो ग्रोथ है, इंडिकेटर्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। अब क्या हुआ कि नवंबर 1992 में 67 आउट ऑफ 109 जो यूनिट्स थे वो उनको लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे दिया गया। 67 में, अब इन 67 में से भी 49 जो यूनिट्स थे वो उनको ट्रांसफ़र किया गया टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और तकरीबन 6 बिलियन जो अमाउंट थी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आ गई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि द रीज़न दैट होप ऑफ गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज नॉट फुलफिल वॉज दैट, ठीक है, लेकिन उस स्पीड से, जिस स्पीड से गवर्नमेंट चाह रही थी उस टाइम पर प्राइवेटाइज करना चीज़ों को, उस स्पीड से प्राइवेटाइज हो नहीं रही थी। उसकी मेन वजह यह थी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो थी वो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट थी और उनमें लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, बेसिक मेन जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उस टाइम पे फॉरेन ही थे, ठीक है, वो बैंकक्रप्ट जो हमारी कंपनीज थी उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। तीन जो सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड सेक्टर्स थे जिनको प्राइवेटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी था, सबसे पहले उसमें एनर्जी है, टेलीकम्युनिकेशन है और कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। अब एनर्जी जो है, हम एनर्जी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे और इम्पोर्टेड तरीके से हम एनर्जी बना रहे थे, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो रन हो रहा था, तो हमें कॉस्ट जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रही थी। और उसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम जो था उस टाइम पर प्रॉपरली डिवेलप नहीं था और कमर्शियल बैंक्स जो थे वो ठीक से वर्किंग में नहीं थे, इसलिए इन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने पे ज्यादा फोकस रखा गया। लेट 1995 में टेलीफोन, टेलीग्राफ सेक्टर को पार्शियली जो है वो प्राइवेटाइज किया गया और साथ साथ अलाइड बैंक जो है उसको बेच दिया गया टू द एम्प्लॉयज, ठीक है, उसके एम्प्लॉयज नहीं मिलकर अलाइड बैंक को खरीद लिया और जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक था वो प्राइवेट बिजनेस हाउस कोई था जिसने, जो प्राइवेट ओनरशिप में चला गया, ठीक है। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि जब बैंक जो हैं वो प्राइवेटाइज हुए तो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई। दो कमर्शियल बैंक्स जो थे, HBL जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है और UBL, ठीक है, जो है इन दोनों बैंक में क्या हुआ के एंड और साथ साथ दो इंडस्ट्रियल जो बैंक्स थे, जो नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये जो थे उनको प्राइवेटाइज किया गया मुशर्रफ की गवर्नमेंट में आफ्टर 1999। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट लार्ज यूटिलिटीज जैसे कि कराची इलेक्ट्रिक और PTCL, ठीक है, इनको गल्फ स्टेट से हमने बाय किया, ठीक है, जो कि न्यू ओनर्स थे ऑफ UBL एज वेल, ठीक है। इन द एंड ऑफ 1995 UBL जो है वो ऑफर सेल के लिए ऑफर किया गया, ठीक है, और सिर्फ फॉरनर बिडर जो थे वो प्रोसेस के अंदर थे, डोमेस्टिक बिडर कोई भी प्रोसेस में नहीं था।
इन 2003 बैंक वॉज सोल्ड बाय टू बिजनेसमैन फ्रॉम मिडल ईस्ट, ठीक है, और 2003 में इस बैंक को सोल्ड कर दिया गया, मिडल ईस्ट की कंपनी ने इस बैंक को खरीद लिया। अब जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ है पूरा पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी पाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि सारी चीजें स्टेट ओन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो देर इज अ लैक ऑफ, कुछ लोग जो है वो इस हक में भी होते हैं कि मिक्स्ड होना चाहिए, कुछ चीजें जो है वो प्राइवेटाइज होनी चाहिए और कुछ जो है वो स्टेट ओन्ड होनी चाहिए। तो जो मेन क्रिटिसिज्म है प्राइवेटाइजेशन का वो किस किस बेस के ऊपर है ये देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप जब चीजों को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो उससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। जब भी आप चीजें गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर ये चीज बाय लॉ होती है कि वो अपनी चीजों को ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, ठीक है, ताकि जो आम एजेंट्स हैं इकोनॉमी के उनको भी पता होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो अंडर प्राइवेटाइजेशन एंड इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू द न्यू मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट वॉज पोज दैट द प्रोसेस सफर्ड फ्रॉम फेवरेटिज्म, सो एज सम बिडर्स हैड प्रिविलेज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि कुछ जो लोग थे, ठीक है, उस टाइम पे ये ऑब्जर्व ये भी किया गया कि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ है वो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म की बेस के ऊपर हुआ है। कुछ लोगों को एक्सेस थी इंफॉर्मेशन की, बेसिक नॉलेज की, और कुछ लोगों को नहीं थी, जिसकी वजह से और जो है वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो था वो फेयरली नहीं हुआ, ठीक है। इन नंबर ऑफ केसेस यूनिट वर ट्रांसफर टू मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिनमें जो मेन इंस्टीट्यूशंस थे उनको ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया जिनको बहुत कम एक्सपीरियंस था या फिर उनके पास कोई एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का ऐसे यूनिट्स को नहीं था। इन सारे क्रिटिसिज्म के साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन हुई मुशर्रफ के दौर में, ठीक है, वो उस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, ठीक। मेन क्रिटिसिज्म जो उस टाइम पे हुआ ये कि जो रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर हुआ, ठीक है, जिसको क्लियर किया गया कि जो मुशर्रफ के लीडिंग अलाइज हैं यानी प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब जो थे उस टाइम पे, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व हैं इस डीलिंग के अंदर, ठीक है। तो और जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट जो थी पाकिस्तान की, ठीक है, उसने चैलेंज ही किया कि जो प्राइवेटाइजेशन है स्टील मिल की उसको किस तरह से किया है, आप लोगों ने प्रोसेस पूरा दिखाया जाए ताकि फेयरली चीज़ें जो है वो हो सकें। तो क्या हुआ कि ये चीज़ें जो है ये फैक्ट सामने आए कि नंबर ऑफ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये जो ये शो करते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी गवर्नमेंट मेंबर्स की तरफ से स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अगर आप स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन और करप्शन के ऊपर मजीद डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।